हजरत सैयद इल्हान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पर नजरबाग प्रांगण में बुधवार 25 मई 2022 को सर्वधर्म शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला रहे, जिन्होंने दूल्हा दुल्हन को टीका लगाकर स्वागत किया और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। कमेटी द्वारा निर्धारित गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमेटी प्रबंधन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और दूल्हा दुल्हन के परिजनों, रिश्तेदारों सहित तमाम मौजूद रहे। इस मौके पर 3 निकाह और 2 विवाह आयोजित किए गए, जहां दूल्हा दुल्हन को सभी ने आशीर्वाद दिया और उन्हें हंसी खुशी विदा किया गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हम लोग कई वर्षों से परंपरा बनाए थे, यहाँ पर हम लोग सामूहिक शादी करेंगे। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर 6 जोड़ों की शादियाँ हो रही है। प्रशासन ने हमें जो सहयोग के साथ उपयोग करना चाहिए था, और जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम लोग न्यायालय योजना में यहाँ पर भी सामूहिक शादियाँ होती है, उसमें पूरा सहयोग। लेकिन प्रशासन का सहयोग हमेशा नहीं मिल रहा है, 30 शादी करने का इस बार नहीं था। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, उस समय इन शादियों में जो दहेज की व्यवस्था की है और शादियों में जो भोजन की व्यवस्था करी है, उसके देखभाल की व्यवस्था की है, मैं अपनी कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ। और हमने जो परंपरा कबीला का होने का जो परंपरा था, इसलिए हम लोग जो है अपने चाहते हैं, आप लोग इसी उत्साह के साथ गरीबों की कोठी को आवश्यकता है शादी करते हैं, इसी तरीके से उसको कामयाब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।